नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात करेंगे कि यदि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर यदि बनना चाहते हैं जिम से रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया अपने पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि यदि आप बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या आप स्ट्रॉन्ग मैन जैसे गेमों को यदि खेलते हैं तो इसमें आप इंटरनेशनल तक कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि ये तीनों गेम जो हैं वही फ़िलहाल ओलंपिक में नहीं हैं, और ये गेम जो होते हैं ये इनके लिए एक एसोसिएशन होती हैं, जो भारत में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हैं जो इन सब गेमों को कराती हैं। इनके अपने अपने टाइटल्स होते हैं, अपने इनके प्लेयर होते हैं, और जो लोग इसे खेलते हैं वो उस फेडरेशन में खेलते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं, और सारे चैनल होते हैं। और ऐसी बात नहीं कि कोई जो फेडरेशन होता है वो आपको किसी भी मुकाम पर लाकर बीच में रोक देगा, नहीं, आपको सारे जो फेडरेशन होगी वो आपको इंटरनेशनल तक लेके जाएंगे। अब बात करें इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसमें भी सेम वही सिस्टम है कि आपको जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में इसमें भाग लेना पड़ता है, और भाग लेने के बाद आप इसमें यदि जीतते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो स्टेट में होगा। और दूसरा तरीका होता है कि एक सिलेक्शन ट्रायल होती है हर हर किसी में, चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, चाहे नेशनल हो, सारे ही इसमें एक सिलेक्शन ट्रायल होती है। इस सिलेक्शन ट्रायल से भी आप, यदि वो डिपेंड करता है उस एसोसिएशन के ऊपर कि क्या आपको वो कॉम्पिटिशन करवा के आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही है, या आपको वो देखेगी कि आप सेलेक्ट करेगी कि आप इस अगले चैनल के जो चैनल है, अगला जो स्टेज है आपकी, उसमें आप जाने लायक है या नहीं है। तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में आपका कंपटीशन होगा या आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा, यदि आप उसके लिए क्वालिफाई हुए या आप उसके विनर हुए तो आपको चांस दिया जाएगा कि आप स्टेट खेलें, और स्टेट खेलने के बाद यदि आप स्टेट में विनर होते हैं या आपको सिलेक्शन ट्रायल में सेलेक्ट किया जाए कि आप नेशनल खेल सकते हैं तो आप नेशनल खेल सकते हैं। दोस्तों, नेशनल के अलावा इस बीच में कुछ कंपटीशन ऐसे भी होते हैं। सपोज मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग की, तो इसमें ये भी होता है कि कुछ प्रदेशों को जोड़ कर, कि सपोज हम बात कर लें नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस टाइप से यदि हम भागों में भी बांट कर कुछ कंपटीशन कराए जाते हैं, जो इनकी एसोसिएशन होती है वो कंपटीशन करवाती है। तो ये इसके चैनल है ये जो प्लेयर होते हैं ये एक्चुअल में इनको खुद तैयारी करनी पड़ती है, अपना इनको एंट्री देनी होती है, जीतने पर जो कैश मनी है ये खिलाड़ी को ही मिलती है। तो इसका जो देखा जाए तो कि सरकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हद तक फीचर भी नहीं है, लेकिन आप जिम से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको इससे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है, और नाम तो होता है, आपको एक टाइटल मिलता है कि आप मिस्टर इंडिया हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं, आप नेशनल स्ट्रॉन्ग मैन, आप इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग मैन, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये चैनल होता है, नेशनल खेलने के बाद आपको एशिया में खिलाया जाता है, इसके बाद आप इंटरनेशनल खेलेंगे, वर्ल्ड खेलेंगे, और जितने भी उसमें जो क्लासेस होते हैं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं सेरू क्लासिक होता है, बहुत से ऐसे कुछ कंपटीशन होते हैं जो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। यदि हम बात करें इंटरनेशनल खेलने तक की, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट विनर होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट विनर से आप स्टेट खेलेंगे, स्टेट में आप विनिंग यदि विनर होते हैं तो आपको नेशनल खेलना होगा, नेशनल के बाद यदि आप नेशनल विनर होते हैं तो आप इंटरनेशनल प्लेयर एशिया खेलेंगे, एशिया के बाद आप वर्ल्ड खेलेंगे। तो ये है एक चैनल जिससे आप अपने लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपका फिजिक्स वैसा होना चाहिए, आपका स्टैमिना वैसा होना चाहिए। सेम यही चीज़ पावर लिफ्टिंग पर भी लागू होती है, पावर लिफ्टिंग में भी यही सारी चीज़ें हैं। इसमें एक क्वालिफाइंग सिस्टम भी चलता है कि यदि आपको अगली स्टेज, अगले लेवल पर जाना है तो आपको कम से कम इतना वेट, चाहे वो इतने किलो की स्क्वाट हो, इतने किलो की डेडलिफ्ट हो, इतने किलो की बेंच प्रेस हो, ये आपको लगाना होगा। आजकल ये जो तीनों का जो पैकेज था इसे अलग अलग भी कर दिया गया है इस लेवल को, कि आप सिर्फ स्क्वाट को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्क्वाट अकेला भी ले सकते हैं, आप बेंच प्रेस को अलग से करना चाहते हैं तो सिंगल आप बेंच प्रेस यूज़ करेंगे, आप डेडलिफ्ट यदि तो सिंगल बेंच प्रेस आप परफॉर्म करेंगे। तो ये सिस्टम भी आजकल चालू हो गया है, तो एसोसिएशन इसे करवाती है, इंटरनेशनल गेम तक आपको लेके जाती है, लेकिन ये एक ओलंपिक गेम नहीं है इसलिए इसको अलग रखा गया है। और लेकिन खेल प्रेमी लोग हमेशा सरकार से ये बात करते हैं, और इस बात को रखा गया है कि बॉडी बिल्डिंग को तो ओलंपिक में लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ प्रोसेस में है। सालों पुराना पावर लिफ्टिंग का भी गेम है,
जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी फिलहाल अभी कुछ जगह जो है इसे अभी भारत में तो अभी इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन मान्यता पावर लिफ्टिंग को भी मिलेगी। और स्ट्रॉन्गमैन भारत में नया है तो अभी ये भी अपने अच्छे स्तर पर है और एक समय में इसके भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनकर बाहर निकलेंगे। बात करें बॉडी बिल्डिंग में तो भारत अब बॉडी बिल्डिंग में किसी से पीछे नहीं रहा। हमारे जेनेटिक्स भले वैसे ना हो लेकिन आज हम उस लेवल पर तो हैं कि एक बहुत अच्छा फिजिक्स पाते हैं और बहुत शानदार बॉडी को पा लेते हैं। तो मैं हूँ संतोष कुमार हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। यह है जानकारी उस चैनल की जिससे आप बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्गमैन जैसे गेम में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर बना सकते हैं। रही बात इसके फ्यूचर की तो कुछ कंपनीज़ और हैं ऐसी सरकारी कंपनियां जो बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग के प्लेयर्स को भी नौकरी देती है, तो इसमें भी फ्यूचर है। लेकिन थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, क्या आप इसमें इतना खर्चा कर सकते हैं। गेम है, आपका शरीर भी आपको साथ देगा, आपका शरीर बनेगा, ये भी इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यदि आप उस लेवल के खिलाड़ी ना भी बने तो एक अच्छे फिटनेस को भी पालेंगे, तो कोई बुराई नहीं है इसे पार्टिसिपेट करने में। तो मैं हूँ संतोष कुमार हैप्पी जिम मेनिया चैनल से।